धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया और इसका धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है? सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थी। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार के दिन पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है उसका पति समाज में छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है तो उसका पति उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचते हैं तो श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया था। अब आप ही बताइए, श्री राम की नजरों से भला कौन छुप सकता है? असली बात तो यह थी कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा का मांग सिंदूर से भरा हुआ है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान ने देखा कि मौका अच्छा है और बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसको नहीं मारते, फिर उनके सिवाय कोई और क्या मारेगा? विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागिन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है जहां पर वह सिंदूर लगाती है। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है।